अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षत्वं पुरुषोत्तम। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ध्यानमूलं गुरो मूर्तिः पूजामूलं गुरो पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोतस्य भूषणं शा भूषणे किं प्रयोजनम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षत्वं पुरुषोत्तम। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ध्यानमूलं गुरो मूर्तिः पूजामूलं गुरो पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोतस्य भूषणं शा भूषणे किं प्रयोजनम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षत्वं पुरुषोत्तम। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ध्यानमूलं गुरो मूर्तिः पूजामूलं गुरो पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोतस्य भूषणं शा भूषणे किं प्रयोजनम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षत्वं पुरुषोत्तम। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ध्यानमूलं गुरो मूर्तिः, पूजामूलं गुरो पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरो कृपा। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोतस्य भूषणं शा भूषणे किं प्रयोजनम्। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षत्वं पुरुषोत्तम। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ध्यानमूलं गुरो मूर्तिः, पूजामूलं गुरो पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरो कृपा। हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कंठस्य भूषणं, श्रोतस्य भूषणं शा भूषणे किं प्रयोजनम्। गुड, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, अब आप बेबी प्लान कर सकते हैं। कुछ और है जो आप सजेस्ट करना चाहोगे जो हम प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो कर सके? गर्भ संस्कार फॉलो कीजिए। हाँ, एक दिन की पूजा होती है ना कुछ, पर आप डॉक्टर होके इन सब में विश्वास करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ एक दिन की पूजा या यज्ञ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ये बेबी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की प्रोसेस है। और हाँ, मैं डेफिनेटली गर्भ संस्कार में मानती हूँ। एक मिनट, समझाती हूँ। देखिए, बच्चे के 80% दिमाग का विकास माँ के गर्भ में होता है। इस समय में वो सारी चीजें सुनता है, महसूस करता है और याद रखता है। अगर इस समय के दौरान कुछ खास एक्टिविटीज की जाए तो उसका सीधा असर बच्चे के IQ, EQ, PQ और SQ पर होगा। पर ये महंगा होगा। बिल्कुल नहीं, एक सोनोग्राफी रिपोर्ट के खर्च से भी कम पैसे में 9 महीने का कोर्स। कौन सा कोर्स बताया आपने? गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन का कोर्स। गर्भ संस्कार गुरु, सालों से चल रही हमारी परंपरा और वैदिक विज्ञान का आधुनिक रूपांतरण।